बाड़मेर में भीषण गर्मी जहां लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है, वहीं बढ़ती गर्मी के बीच पानी की खपत भी बढ़ गई है। लेकिन शहर के कई इलाकों में कम दबाव के कारण नल कनेक्शन से जलापूर्ति नहीं हो पा रही है और लोगों को भीषण गर्मी में पेयजल किल्लत का सामना करने के साथ ही महंगे दामों में टैंकर भी डलवाने पड़ रहे हैं। ऐसा ही हालात गांधीनगर इलाके के वार्ड संख्या 25 और 26 में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। देखिए अशोक दहिया की एक खास रिपोर्ट। बाड़मेर में लगातार बढ़ रही गर्मी आमजन के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। बढ़ती गर्मी के साथ ही पानी की खपत भी बढ़ गई है, लेकिन शहर के कई इलाकों में कंप्रेसर के चलते लोगों के घरेलू नल कनेक्शन व्यर्थ साबित हो रहे हैं। हालात ये हैं कि कम दबाव के कारण कुछ पानी की पाइपलाइन में पानी नहीं पहुँच पा रहा, इससे लोगों के घरों तक सप्लाई खोलने के दौरान 4-5 घड़े पानी पहुँच रहा है। इससे भीषण गर्मी में पानी की खपत पूरी होना तो दूर, पीने के पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही। गांधीनगर इलाके के हालात भी इन दिनों ऐसे ही नजर आ रहे हैं। यहां वार्ड संख्या 25 और 26 के लोगों ने अपने घर में नल कनेक्शन तो करवा रखे हैं, लेकिन पानी का प्रेशर न आने की वजह से पर्याप्त जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। भीषण गर्मी में बढ़ी पानी की खपत को पूरा करने के लिए यहाँ के लोग महंगे दामों में टैंकर डलवा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि लोगों के घरों में नल कनेक्शन तो है, लेकिन नलों में पानी नहीं आ रहा। इसको लेकर संबंधित विभाग को कई बार शिकायतें भी की गई, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में वार्डवासियों को मजबूरन महंगे दामों में पानी के ट्रैक्टर और टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। गांधीनगर निवास करता हूँ, मेरा नाम कोजरा सिंह है। हम यहाँ पिछले कई दिनों से किराए में रह रहे हैं और यहाँ पर हमारे पानी की बिल भयंकर समस्या है। पानी बिल्कुल आता ही नहीं, आता है तो 2-4 मटकी भरे आता है, कभी तीसरे चौथे दिन आता है। हम पानी तो टैंकरों से डलवाते हैं। टैंकर, एक टैंकर का हमें 500 रुपये देना पड़ता है। महीने में करीब 3-4 टैंकर डलवाना पड़ता है। वैसे नलके तो लगे हुए हैं, लेकिन पानी की बहुत विकट समस्या है। गांधीनगर हमारे कम से कम लॉकडाउन लगा उसके बाद पानी बिल्कुल बंद हो गया है। 5-7 घरों में बिल्कुल नहीं आता है और आता है बाकी घरों में सप्लाई बिल्कुल डिम आती है। और हमारे 3 महीने से बिल्कुल नलके बंद पड़े, हम बिल भर रहे हैं 500-700 रुपये दे के टैंकर का पानी नमाते हैं, वो पानी अच्छा मिलता नहीं है। जाइए नहीं, इनको एक रिपोर्ट दी है, उसका कोई जवाब नहीं है। पार्षद जी को बोले 2-3 बार, उसका कोई समाधान अभी तक हुआ नहीं है। और पानी की भयंकर किल्लत है, भयंकर नहीं, कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिला। हमने 2-3 शिकायत दे दिए, कोई जवाब नहीं मिला। उनको बोल रहे आश्वासन खाली दे रहे, जिसके पास आ रहा आश्वासन मिल रहा है हम करेंगे। लैंडमैन को मैं कहते हैं कभी पानी नहीं सप्लाई खोलते, वो ऐसे ही खुलेगा, आप करो आगे कार्रवाई का, जो कुछ करना है वो करो। पेयजल की किल्लत से जूझ रही स्थानीय महिलाओं का कहना है कि कोरोना काल में घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में 500 से 700 रुपए देकर हर महीने 3 पानी के टैंकर डलवाने पड़ रहे हैं। कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को इस समस्या के समाधान के लिए अवगत भी करवाया गया, लेकिन कोई समाधान अभी तक नहीं निकल पाया। लॉकडाउन बाद में तो पानी आवे, को नलका सही खाते दिन खुले, 2-3 घड़ा पानी आवे बंद हुए, खातिर खाते टंकी नवाड़ा। ये गर्मी में टंकी री पानी पूरा ही हुआ, पर मजदूर मन्नत रहा, पैसा कहाँ से लाऊं जो को खातिर खाते टंकी नवाड़ा। गांधीनगर के वार्ड संख्या 25 और 26 के लोगों का कहना है कि पिछले 4 महीनों से घरेलू नल कनेक्शनों में बहुत कम पानी पहुंच रहा है। इसके साथ ही कई लोगों का आरोप है कि लॉकडाउन के बाद से ही पानी की समस्या विकराल रूप धरे हुई है। स्थानीय लोगों ने एक्सएन जेएन लाइनमैन समेत विभागीय कार्मिकों को इस समस्या से अवगत भी करवाया है, लेकिन समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है। नलों में बहुत कम मात्रा में पानी आता है, इससे पीने के पानी की खपत भी पूरी नहीं होती, तो भीषण गर्मी नहाने धोने के लिए पानी की खपत को कैसे पूरा करें।